हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे पीछे देख रहे होंगे शिवनाथ नदी बह रही है, जिसमें अच्छा खासा बाढ़ आया हुआ है। दोस्तों मैं स्थित हूँ अभी अपने गांव में, और मेरे गांव से होते हुए शिवनाथ नदी बहती है, जिसमें अच्छा खासा माहौल बना हुआ है, अच्छा खासा बाढ़ आई हुई है, जिसे आप लोगों को मैं आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और मैं स्थित हूँ अभी अपने गाँव के पुराने वाले पुल में। ये देखिएगा, इस तरफ दो और पुल बनी हुई है दोस्तों, जो कि रायपुर बिलासपुर होते हुए आप लोग इस पुल के सहारे से रायपुर बिलासपुर जा सकते हैं। बस वगैरह भी जा रही है, रायपुर जा रही है बस। तो फिर चले, फिर आज का हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को शिवनाथ नदी का क्या माहौल है उसे आप लोगों को दिखलाता हूँ। सामने दो और पुल बनी हुई है, इस तरफ हम लोग जाएंगे तो रायपुर जा सकते हैं। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे है ये, और इस तरफ मेरा गांव है दोस्तों, नाथघाट मेरा गांव है। इस तरफ से होते हुए हम लोग मुंगेली जा सकते हैं, और सामने जाएंगे तो हम लोग बिलासपुर जा सकते हैं। और नीचे आप लोग देखिएगा नदी का क्या ही माहौल है, बहुत ही ज़्यादा पानी यहाँ पर बह रही है, अच्छा खासा बाढ़ जो है नदी में आई हुई है। ये पुराना वाला पुल है, इसमें चलना भी बंद हो चुका है, थोड़ा बहुत बाइक वगैरह यहाँ पर चल जाती है। इस तरफ आप लोगों को मैं दिखला देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पानी जो है कि बह रही है। ये देखिएगा आप लोग, वो दूर तक आप लोग देख सकते हैं, अच्छा खासा पानी यहाँ पर बह रही है। इस तरह पर जो ईंट भट्टा वगैरह है ना, जितने भी ईंट भट्टा वगैरह हैं, सभी जो है कि डूब चुका है दोस्तों। यहाँ से अच्छा खासा पानी जो है कि बह रही है। पहले मैं उस पुराने वाले पुल में था, पुराने वाले पुल से मैं नए वाले पुल में आ गया हूँ दोस्तों। पहले मैं वहाँ से वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखला रहा था, अब यहाँ से आप लोग नज़ारा देखिएगा, क्या तबाही नज़ारा है यहाँ से। उस तरफ अब मेरा गांव है, जिसमें अच्छा खासा पानी उस तरफ भी चला गया है। सामने एनी गेट था जो कि पानी में डूब चुका है दोस्तों, और इस तरफ आप लोग देखेंगे बहुत ही तबाही नज़ारा है यहाँ का। अगर आप लोग इस रूट से आते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे में यह पुल स्थित है, जहाँ अगर आप लोग इस एरिया में आए होंगे तो आप लोगों को जानकारी इसके बारे में होगा ही। अच्छा खासा पानी यहाँ पर भरी हुई है साथियों, ये देखिएगा। यहाँ आप लोग देखेंगे तो खेत है, खेत के ऊपर से पानी बह रही है। इस तरफ बहुत से खेत में धान के फसलें भी लगी हुई है दोस्तों, जिसके ऊपर से पानी बह रही है। इस तरफ पर बहुत सारे फल के भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आम का वृक्ष लगा हुआ है दोस्तों, वैसे ही यहाँ पर बाग बगीचा है जिसके ऊपर से पानी बह रही है। बहुत से जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं ना, वो पानी में डूब चुका है। तो अच्छा खासा बाढ़ आया हुआ है दोस्तों। इस तरफ आप लोग देखेंगे तो अच्छा खासा इस साइड भी पूरा पानी चला गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में अभी लगातार बारिश हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, जिसके चलते जो है कि सभी नदी नालों में अच्छा खासा पानी भर चुका है, अच्छा खासा बाढ़ प्राय सभी जगह आया हुआ है। अरे केरा, कपड़ा कहाँ है तू? ये पर No!
इस तरफ आप लोग घर को देखिएगा, घर के ऊपर ऊपर तक अच्छा खासा पानी यहाँ पर भरी हुई है। जितने भी घर हैं इस एरिया में ना, सभी जो पानी में डूबा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। हमारे गांव के पीछे वाला हिस्सा है और पीछे वाले हिस्से से जो नरवा है, नाला बोल सकते हो आप लोग, और हम लोग छत्तीसगढ़ी में नरवा गरवा घुरवा बारी वाला सिस्टम है, तो जो नाला है या फिर आप नरवा बोलो, वो जो है कि बह रही है। और सोनात नदी का उलट पानी और उस तरफ से भी जितने खेत खलिहान के जो पानी आते हैं, उससे यहाँ पर अच्छा खासा पानी भर चुका है। तो पीछे वाले हिस्से में भी अच्छा खासा बाढ़ आई हुई है दोस्तों, बहुत सारे घर यहाँ पर डूब चुके हैं, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कुछ इस तरह से हमारे गांव का पीछे वाले हिस्से का नज़ारा है। पीछे वाले में भी बाढ़ आई हुई है और सामने वाले नदी में भी बाढ़ आई हुई है, तो दोनों तरफ से अच्छा खासा पानी यहाँ पर भरा हुआ है और बीच में हम लोगों का गाँव है।